हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग सब। तो दोस्तों मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों मैं आज बताऊंगा कि ये जो वोल्वो 460 टिपर ट्रक है, तो दोस्तों इसके बारे में बताऊंगा। तो ये जो ट्रांसमिशन गाड़ी है, जो इसमें पेंडल दिया हुआ है ब्रेक का, और ये एक्सीलेटर का दिया हुआ है और रेस का दिया हुआ है, दोनों ही दिया हुआ है। तो दोस्तों बहुत लोग पूछते हैं बिना क्लच की गाड़ी कैसे चलाते हैं, और ये एक्सीलेटर है इसको छोड़ना, गियर चेंज करके करते तब इसको छोड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए, इसके बारे में भी मुझे बहुत लोग कॉल करके पूछते हैं। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। ये अभी मेरी नाइट ड्यूटी है, इसलिए नाइट में ही वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे को टाइम नहीं, सुबह में टाइम नहीं मिलेगा। तो दोस्तों तो इसलिए मैं अभी नाइट में वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों, क्योंकि ये अभी नाइट वीडियो थोड़ा अच्छा नहीं दिखता, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा तो वही बेहतर रहेगा। तो दोस्तों ये जो ट्रांसमिशन गाड़ी है, तो इसको प्लस माइनस करते हैं, तो ये जो पैर में जो एक्सेलरेटर इसको छोड़ने का नहीं है, जैसे पकड़ा ही वैसे ही पकड़ने का, इसको प्लस करते तो भी छोड़ने का और कम करते भी नहीं छोड़ने का, इसको कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, ये अपने आप अच्छे से गियर चेंज कर लेगी। और जो ऑटोमेटिक चेंज इसमें चेंज कर लेते, जितना रेस पकड़ा हुआ है ऐसे, तो ऐसे छोड़ मत देने का, इसको पकड़े रहने का, ऐसे दबा रहने का। और ये प्लस माइनस, जैसे प्लस करते हैं तो बड़ा गियर बढ़ा भी सकते हैं और गियर माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन ये पाव के ये एक्सेलरेटर इसको नहीं छोड़ने का। तो दोस्तों मेरे वीडियो जरूर अंत तक जरूर देखना, और आपको पता चल जाएगा मैं अभी ये बताऊंगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, और आपको मेरे चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर देने का दोस्तों, और साथ में ये बेल आइकन दिया है इसको भी दबा देने का। और अभी तक मेरे चैनल में आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, और जो भी कोई सीखना चाहता है ये वोल्वो गाड़ी या कोई मशीन वगैरह कुछ भी सीखना चाहता है, तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताने का, मैं जो भी आप सीखना चाहे उसका वीडियो मैं जरूर बना दूंगा। तो ये देख सकते हो तो ये दिया है, ये एक्सीलेटर है, ये रेस है, ये ब्रेक है, ये देख सकते हो ये रेस। तो रेस को ऐसे जितना दबाए हुए थे ऐसे ही दबा रहने का है, और गियर ये देख सकते हो ये तो ये देख सकते हो ऐसे दबा रहने का, इसको जितना दबाए ऐसे दबा, इसको छोड़ने का नहीं। जब हम गियर ऐसे चेंज करते हैं, ऐसे करते या प्लस या माइनस करते है, तो रेस को कम नहीं करने, रेस को नहीं छोड़ने का है। ये देख सकते हो ऐसे, ये कम किया, ये प्लस किया, ये प्लस किया, ये देखो ये कम किया, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी, ये रेस को दबा रहने का, इसको छोड़ने का ही नहीं है। ये देख सकते हो ऐसे मैंने जैसे पकड़ा है वैसे ही पकड़ा हुआ है, तो मैंने अभी तक छोड़ा नहीं, अभी मेरी नाइट ड्यूटी है दोस्तों, इसलिए नाइट में बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे को फर्स्ट में टाइम नहीं मिलेगा, फर्स्ट सेकंड में अभी आएगा तो ही बताऊंगा, इसलिए अभी नाइट, बहुत दिनों बाद ये मैंने वीडियो बनाया, लेकिन दोस्तों मुझे टाइम ही नहीं मिला इसलिए आज बना रहा हूँ। तो दोस्तों ऐसा इसको छोड़ने का नहीं है, एक्सीलेटर को छोड़ने का नहीं है, इसको जितना रखे ऐसे, इसको ऐसे ही गियर चेंज करने का है, ऐसे प्लस करने का, ऐसे माइनस करने का। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा ऐसे गियर चेंज करने का है, ये एक्सीलेटर को यूज नहीं करने का, एक्सीलेटर को दबा रहने का है, इसको छोड़ मत देने का, जब गियर चेंज करते जितना पकड़ा हुआ है इतना ही पकड़ रहने का, ऐसे प्लस प्लस होता है, ऐसे माइनस होता है, ऐसे करते रहना है, लेकिन इसको जो एक्सीलेटर है इसको छोड़ने का नहीं, ऐसे दबा रहने का। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया तो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का, और ये नाइट वीडियो है तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन ये अभी मेरे को मुझे बहुत लोग कॉल करके भी पूछते हैं, इसलिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। तो दोस्तों मेरा वीडियो जो अच्छा लगा तो लाइक करे, शेयर करे और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करे। तो चलो दोस्तों, और यहाँ पे मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ, तो मेरे चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देने का दोस्तों। चलो वीडियो यहाँ पे वीडियो एंड कर